अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि योगी सरकार की सड़कें जो गड्ढा मुक्त होने वाली थी, शायद अब गड्ढे ही सड़क मुक्त हो चुके हैं। हालात ये है कि सड़क खुद चीख चीख कर कह रही है कि मैं भी शहर के विकास में भागीदार बनना चाहती हूं। सरकार विकास की बात तो कर रही है, लेकिन सड़क की इस पुकार को अनसुना भी कर रही है। तो पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, बोलती सड़कें। सुना है मेरठ में रैपिड मेट्रो आ रही है, वर्षों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ती आई हूं मैं। न जाने कितने बसंत देखे हैं मैंने, सर्दी में जमी तो गर्मी में जलती रही हूं मैं। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते न जाने कहां खो गई हूं। पता नहीं ये गड्ढे मुझ में ही समाये हैं या इन गड्ढों के बीच से होकर मैं गुजरती हूं। क्या मैं गड्ढा मुक्त हो गई हूं? अब बारिश का पानी मैं सहन नहीं कर पाती हूं। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और मैं जर्जर खस्ता हाल में जहां थी वहीं पड़ी हूं। गांव कस्बे को शहर से जोड़ती हूं मैं, लोगों को लोगों से जोड़ा है मैंने, शायद अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। वर्षों से भीड़ मुझे कुचलती आई है, वाहनों से चोटें मैंने भी तो खाई है। सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए मैं भी तो कितनी रातें तड़पी हूं, पर अब मैं शहर की तस्वीर बदलना चाहती हूं। सुना है मेरठ में रैपिड मेट्रो आ रही है और मेरठ स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, क्या फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी? क्या केवल रैपिड मेट्रो के आ जाने से ही मेरठ सिटी स्मार्ट सिटी कहलाएगी? मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। मैं भी अब सजना सवरना चाहती हूं, अपने शहर को स्मार्ट बनाने में योगदान करना चाहती हूं। मैं मेरठ की खस्ता हाल सड़क अब स्मार्ट बनना चाहती हूं, मैं चमकना चाहती हूं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।